सो हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पबजी एनालिसिस का करवाया था, तो उसमें हम लोगों ने इनसाइट निकाला था कि पबजी हम लोग कैसे विन कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ कि मैंने जो जो ग्राफ निकाला था, जैसे वाला हमारा पीडीएफ है, तो ये जो जो ग्राफ हमने निकाला था सब, कि क्लियर वाला ग्राफ और इनका कोरिलेशन, ये सब हम लोग करेंगे कैसे, ये सब ग्राफ हम लोग इनसाइट निकालेंगे कैसे, ठीक है? वो सब मैं आपको पूरा एक एक लाइन समझा के और एक लाइन पूरा कोड करके दिखाऊंगा, ठीक है? जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आप प्रॉपर समझ सकें कि कैसे हम लोग इस थिंक करके इस ग्राफ को निकाल सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने किसी ब्राउजर में जाना है और आपको पबजी फिनिश प्लेसमेंट प्रिडिक्शन नाम सर्च करके कैगल से जाके डाउनलोड डेटा डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा पबजी फिनिश प्लेसमेंट प्रिडिक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कैगल का वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पे कैगल पे जाने के बाद आपको ट्रेन डॉट सी एस बी, आपके पास तीन फाइल मिलेगी, एक ट्रेन डॉट सी एस बी, एक टेस्ट डॉट सी एस बी और एक सबमिशन डॉट सी एस बी। तो सिंपली आपको करना क्या है कि ट्रेन डॉट सी एस बी आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? ट्रेन डॉट सी एस बी करने के बाद आपको क्या करना है, एक काफ़ी लंबी फाइल होगी, करीब 630 MB की है। तो आपको डाउनलोड करके आपको डायरेक्ट अपने जो भी आपका ड्राइव है, गूगल ड्राइव में आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको चलना है अपने कोलैब पर। गूगल कोलैब पे क्या करना है आपको कि माउंट ड्राइव करना है। आपको माउंट ड्राइव कैसे किया जाता है, आपको बस ये दो लाइन का कोड लिखना है, फ्रॉम गूगल। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? आपको माउंट ड्राइव करना है। कैसे करेंगे, आपको सिर्फ दो लाइन का कोड लिख सकते हैं, या तो ये वाला जो बटन है, ये वाला बटन, इस पर आप क्लिक कर देंगे तब भी आपकी माउंट ड्राइव हो जाएगी, ठीक है? जब आप माउंट ड्राइव करेंगे तो आपके पास पहले ही फोल्डर नहीं रहता है ड्राइव का। जब आप माउंट ड्राइव कर देंगे तो आपके पास एक सैंपल डेटा और एक ड्राइव का फोल्डर दोनों हो जाता है, ठीक है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाके आपका आपने जिस ड्राइव में अपना ट्रेन डॉट सी एस बी डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पर मैंने इस कंडीशन में ड्राइव के अंदर माई ड्राइव, माई ड्राइव के अंदर मैंने पीडीएफ, और पीडीएफ के अंदर मेरा ये ट्रेन डॉट सी एस बी पड़ा है। ट्रेन डॉट सी एस बी आपको जाके डायरेक्ट कॉपी पाथ कर लेना है, ठीक है? इसका कॉपी पाथ करने के बाद आपको आना यहाँ पर और एक चीज़ लिखना है, फंडास तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा और ट्रेन पी डी डॉट रीड सी एस बी, ये जो आपने कॉपी पास किया था यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है? पेस्ट करने के बाद आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा डेटा है, 630 MB का है। तो आपके ये इंटरनेट पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट है, ठीक है? आपका इंटरनेट जितना फास्ट रहेगा उतना जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, तो ये थोड़ा टाइम लेने वाला है। फिर हम आपको अगर मैं ट्रेन करके दिखाऊँ, ट्रेन डॉट हेड करके दिखाऊँ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये रहा हमारा डेटा, ठीक है? अगर मैं केवल ट्रेन करूँ तो अभी आपको चल जाएगा इसमें कि कितने कॉलम हैं और इसमें कितने रो होने वाले हैं, ठीक है? देखिए, जो ये डेटा था टोटल कितने हैं, 44,46,966 रोज हैं, ठीक है? मतलब काफ़ी बड़ा डेटा है, टोटल हमारे पास 44 लैक्स जो हमारे पास रोज हैं, ठीक है? और 29 कॉलम्स हैं। आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा डेटा सेट है। तो मैं आपको इस डेटा सेट एक बार समझा देता हूँ। तो 29 कॉलम्स हैं, 29 कॉलम से पहला कॉलम है आईडी, मतलब प्रत्येक प्रत्येक मैच की आईडी क्या थी, ठीक है? ग्रुप आईडी मतलब अगर कोई बंदा स्क्वाड में आया है, डीओ में आया है, तो उसकी ग्रुप आईडी क्या है। फिर मैच आईडी, और मैच आईडी ये हमेशा यूनिक होगी, मतलब हर एक मैच में 100 बंदे उतर रहे हैं तो हर एक मैच की एक अपनी आईडी होगी, तो मैच आईडी सबकी यूनिक होगी। अरे, मैच आईडी कितनी होगी, टोटल 44 लाख से जो हमारे जितने रोज हैं उतने हमारे पास मैच आईडी यूनिक होगी, ठीक है? एडजस्ट मतलब कितनी बार एडजस्ट किया गया है, बूस्ट मतलब किस बंदे ने, उस टीम ने कितने बूस्ट यूज किए हैं, डैमेज डेल्ट, ऐसे करके आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। हेड शॉट मतलब हेड शॉट किस, मतलब जो बंदे मारे हैं उनमें किन्होंने कितने हेड शॉट दिए हैं, ठीक है? उसका रो है, कॉलम है। फिर ये हिल्स मतलब उस टीम ने उस मैच में कितने हिल्स यूज किए हैं। किल प्लेस क्या है कि जब बंदा दूसरे इनिमी को मार रहा है, दूसरे बंदे को मार रहा है, तो मारते समय जब बंदा मर रहा है तो जो मारा है और जो मरा है, ठीक है, जो इनिमी मरा है और जिस बंदे ने मारा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो किल प्लेस के नाम से है, ठीक है? किल पॉइंट, किल पॉइंट कहाँ पर, किस पॉइंट पर मारा गया है। किल्स मतलब नंबर ऑफ किल्स, कितने किल्स किए हैं, 1, 2, 5 है, ऐसे करके ये सारे कुछ दिया गया है हमको। टोटल जिसके यहाँ पे वॉक डिस्टेंस है, मतलब बंदे ने कितना वॉक किया है, कितना रन किया है, ठीक है? वेपन स्क्वायर्ड मतलब, वेपन एक्वायर्ड मतलब कि कितना वेपन उसने एक्वायर किया था, ठीक है? एक वेपन लिया था, दो वेपन लिया था, तीन वेपन लिया था, ठीक है? हमारे पास कितने होते हैं, हम मैक्सिमम कितने वेपन ले सकते हैं, एक तो पिस्टल ले सकते हैं और एक कोई ऑटो गन ले सकते हैं, एक कोई लॉन्ग रेंज की गन ले सकते हैं, ठीक है? ऐसे करते करते उस टीम ने कितने एक वेपन लिए थे, ये है। फिर बिन पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है जो बिन कर रहा है,
मतलब ये सब सारे मिला के जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उसके टोटल 8 पॉइंट हो गए। फिर ये बिन प्लेस परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, एक्चुअल परसेंटेज, ठीक है। इसमें क्या है कि किस कौन सी टीम ने किस मैच में कितना जीतने की प्रोबेबिलिटी थी, ये रहा, ठीक है। अब ये रहा हमारे डेटा सेट के बारे में। अब जो मैं आपको दिखा रहा था ये वाला ग्राफ, ये सब हम लोग ड्रा कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक लाइन एकदम अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो ठीक है लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने पांडास कर लिया है, नंपाई कर लेते हैं, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, और हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं मैट प्लॉट लिप को, तो परसेंट मैट प्लॉट लिप, मैट प्लॉट लिप एज एज कर लेते हैं इसको, मैट प्लॉट लिप इनलाइन कर लेते हैं, ठीक है मैट प्लॉट लिप इनलाइन कर लेते हैं, और फिर इंपोर्ट मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट, डॉट पाई प्लॉट एच पी एल टी, ओके। फिर हम लोग इम्पोर्ट सी बॉर्न कर लेते हैं, इम्पोर्ट सी बॉर्न, सी बॉर्न एच एच सी बॉर्न एच यस एन यस, ठीक है इसको रन करवाते हैं। तो ये लाइब्रेरी हमको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, आपको पंडा हमने ऊपर कर लिया, नहीं तो हम कर लेते हैं, क्या दिक्कत, ठीक है कर लेते हैं, इम्पोर्ट पांडास, पांडास एज पी डी, एज पी डी, ठीक है इसको रन करवाते हैं। तो ए लाइब्रेरी जो हमको ग्राफ ड्रा करने के लिए चाहिए, और पांडास से क्या होगा, हम डेटा फ्रेम को जितने भी हमारे रोज और कॉलम्स हैं इसके साथ हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके लिए कम पांडास कम आएगा, और नंपाई जो भी हमको एरे में कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम को, या डेटा फ्रेम को डेटा फ्रेम को डेटा फ्रेम से एरे में ले जाना है, तो वहाँ पर हमको नंपाई का काम पड़ेगा, ठीक है। ये सारी लाइब्रेरी हमको इंपोर्ट कर लेनी है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने डेटा को देखेंगे कि कहीं पर, अब बताइए आप ही बताइए कि यहाँ पर टोटल 44 लाख रोज है हमारे पास, उसमें से कुछ वैल्यू नल भी हो सकती है, कैसे चेक करेंगे, आपको पता होना चाहिए कैसे चेक करते हैं, ट्रेन डॉट इन्फो करके, या तो इन्फो करके चेक करते हैं या ट्रेन डॉट इज नल डॉट सम करके चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए यहाँ पर टोटल हमारे पास इंट्रीज कितनी है, 0 to 44 लाख है, तो ठीक है काफ़ी अच्छा है, और ठीक है हमारे पास इतने सारे वैल्यूज हुए हैं। आईडीज जो है ऑब्जेक्ट टाइप का है, और हेडशॉट जो है हेडशॉट कितने किए हैं, इंट टाइप के हैं, किल कितने किए हैं वो भी इंट टाइप का है, ठीक है। तो ये हमारे डेटा के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू रह गया, और हमको देखना है अभी कि कितने हमारे पास नल वैल्यू हैं, तो क्या करेंगे, ट्रेन डॉट इज नल, और इसको ब्रैकेट देते हैं और डॉट सम फंक्शन लगाते हैं, ये तो बेसिक फंक्शन है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है, इज नल क्या करता है, इज नल को काउंट करता है कि कितने वैल्यू नल हो हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वैल्यू केवल नल है, विन प्लेस परसेंटेज में केवल एक वैल्यू नल है, मतलब हमको उसको हैंडल करना पड़ेगा। देखिए विन प्लेस में मतलब हमारा जो लेबल है, जो हमारा आउटपुट है, वही एक नल है, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं आप बताइए कैसे, बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास, एक तो फिलना होता है इसको हम फिल कर दें, एक हमारे पास ड्रॉपना होता है, उस पूरी रो को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अच्छा बताइए इस समय आप फिल करोगे, फिलना यूज करोगे या ड्रॉपना, देखिए हमारे पास 44 लाख रोज है, मतलब अगर हम एक रो उसमें से डिलीट कर दें तो हमको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इस प्लेस पर हम लोग ड्रॉपना यूज कर सकते हैं, तो ठीक है ड्रॉपना यूज कर सकते हैं, तो ड्रॉपना यूज कर लेते हैं हम लोग। तो इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखे, और ट्रेन डॉट ड्रॉपना डी आर ओ पी एन ए ड्रॉपना यूज करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो रो हमारा जिस रो में एक भी नल वैल्यू है वो पूरा रो हमारा डिलीट हो जाएगा, तो ड्रॉपना और क्या कर देते हैं इसमें, इंडेक्स इन प्लेस ट्रू कर देते हैं। इन प्लेस ट्रू से क्या होता है कि जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें जाके चेंज कर देगा, ठीक है हमारा डेटा फ्रेम क्या है, ट्रेन ट्रेन नाम का डेटा फ्रेम है, उसमें जाके हमको ट्रू करना है, तो ट्रू करते हैं, इसको रन करवाते हैं, तो ठीक है काफ़ी अच्छा ये हमारा रन हो गया। अब देखिए हमको एक बार फिर हम जो चेक कर लेते हैं क्या हमारा, एक मिनट, अगर मैं आपको यहाँ पे लेंथ चेक कराऊँगा आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है तो अगर मैं लेंथ ऑफ ट्रेन की चेक करूँ यहाँ पे, तो देखिए 44,46,965 और यहाँ पर 65 है, और यहाँ पर हमारे पास कितना था,
जब हमने पहली बार चेक किया था तो हमारे पास 44,46,966 थे, और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक को ड्रॉप कर दिया, एक को हटा दिया, तो हमारे पास कितने बचे, एक कम हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना असली काम पर। तो असली काम पे जाने से पहले मैं इसको क्या करूँगा, एक टेक्स्ट इसको बना देता हूँ। तो टेक्स्ट कैसे बनाऊँगा, डेटा लोडिंग, इसको बना देते हैं डेटा लोडिंग, डेटा लोडिंग। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डेटा लोडिंग। अब डेटा विजुलाइजेशन करके, अब यहाँ से हमारा जो काम होगा, यहाँ से हम लोग काम करते हैं डेटा विजुलाइजेशन का। ठीक है, सो अब हम डेटा विजुलाइजेशन वाला काम करते हैं। डेटा लोडिंग वाला काम तो हो गया, हमने डेटा को लोड कर लिया। अब देखिए, अगर हम आपको सबसे पहला अगर आप दिखाएं, तो यहाँ पर हमने किल्स वर्सेस, मतलब कितने बंदों ने कितना किल्स किया था, उस चीज़ का ग्राफ हमको बनाना है। तो ये वाला ग्राफ, तो इसमें क्या है कि हमको कितने बंदे जो हैं उनका किल्स रेशियो क्या है, तो उसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पहले दिखा देता हूँ कि जो किल्स हुआ है हर एक मैच में उसका मीन कितना है। तो मीन का मतलब क्या होता है कि द एवरेज पर्सन, मतलब जो एवरेज पर्सन होता है उनका किल्स कितना होता है, तो वो मीन से हमको पता चल जाएगा। एक क्वांटाइल 0.99 में क्या मतलब है, ये क्वांटाइल 0.99 का मतलब क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको रन कराता हूँ। और ट्रेन किल्स डॉट मैक्स, ये डॉट मैक्स क्या करेगा कि जो आपका किल्स वाला कॉलम है उसमें सबसे मैक्सिमम किल कितना हुआ है, मतलब किस बंदे ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किल किया है। तो चलो इस पर रन कराते हैं। तो आपका मिले आपको मिलेगा कि जो मीन है, जो किल्स का मीन है वो 92 है। 92 का मतलब क्या है कि द एवरेज पर्सन किल्स इज 92%। एंड अगर मैं यहाँ पे क्वांटाइल 0.99 की बात करूँ, तो क्वांटाइल क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे क्वांटाइल आया हमारा 7.0, मतलब कि 99% बंदों ने, क्वांटाइल का मतलब होता है कि किल्स में सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है। ठीक है, मतलब 99% बंदों ने, अगर मान लीजिए कि 100 बंदों में, तुम्हारे पास 100 बंदे हैं, 100 बंदों ने, 100 बंदों में से 99 बंदों ने जो काम किया है उस काम की वैल्यू आती है, क्वांटाइल का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरा जितना हमारे पास 44 लाख रोज हैं, उस 44 लाख रोज में से कितनी बार मैक्स किल, कितनी बार किल्स किया गया है, तो जो 99% बंदों ने किया है 7 किल्स किया है। अगर मैं यहाँ पर 80 डाल दूँ, अगर मैं यहाँ पर 80 लिख दूँ, तो आपको क्या मिलेगा, देखो जो 80% बंदे हैं, मतलब 100 में से जो 80 बंदे हैं उन्होंने सिर्फ किल 2 किया है या 2 से कम किया है। और उसी तरह अगर मैं 99 डाल दूँ, तो 99 का मतलब जितने बंदे हमारे हैं उसमें से 99% बंदों ने या तो 7 किल किया है या तो 7 से कम किल किया है। ठीक है, आपको बात समझ में आई क्वांटाइल की। क्वांटाइल की वैल्यू क्या कहती है कि मेरे से, मैं क्वांटाइल की वैल्यू जितनी आएगी तो वो बोलेगा 7 से कम होगा या 7 के बराबर होगा। ठीक है, क्वांटाइल का मतलब ये हुआ, मैक्स का मतलब उस कॉलम में जो सबसे बड़ा मैक्स वैल्यू रहेगा। तो किल्स में सबसे ज्यादा मैक्स किल कितना है, 72 है। तो ये तो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, देखिए मैं एक पहले बात तो अपने ट्रेन का कॉपी बना लेता हूँ, ट्रेन डॉट कॉपी, और इसको मैं करता हूँ डेटा डॉट एलओसी। एलओसी से मुझे पता है कि आपको एलओसी फंक्शन आता है। एलओसी क्या करता है, हमको जो हमारे वैल्यूज होते हैं, एलओसी हमको जो इंडेक्स होता है कॉलम्स का, उसको हमको कट करने में मदद करता है। एक लॉक होता है, एक आई लॉक होता है। ठीक है, तो इसमें देते हैं डेटा ऑफ किल्स इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ किल्स, डेटा ऑफ किल्स डॉट क्वांटाइल, डॉट क्वांटाइल 0.99। ओके, इसको मैं देता हूँ 0.8। मतलब इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर किल्स की वैल्यू, अगर किल्स की वैल्यू किस बंदे ने अगर 7 से ज़्यादा किल किया है, 7 से ज़्यादा किल किया, 7 से ज़्यादा किल मतलब 8 किल हो सकता है, 9 किल हो सकता है, 10 किल हो सकता है, और मैक्स किल तो 72 है, तो मैं उस वैल्यू को 8 दे रहा हूँ। ठीक है, उस वैल्यू को 0.8 कर दे रहा हूँ। तो 0.8 हो गया, और मैं क्या पे करूँगा, पी एल टी डॉट फिगर, और फिक्स साइज में दे दूंगा, फिक्स साइज 15, आप अपने मन से दे सकते हैं, मैं 15x10 दे देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद
sns.countplot, और मैं करूँगा किसको, मुझको प्लॉट करना है किल्स को, किल्स डॉट as type, ठीक है, as type str डॉट sort values, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो काउंट है, जो हमारा डेटा का काउंट है, उसको मैं वैल्यू को सॉर्ट करके स्ट्रिंग में दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो नाम आया था, अगर आपको बताऊँ, ये जो 0, 1, 2, 3, ये उसका नाम है, 8+ a स्ट्रिंग का नाम है, वही चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो sns डॉट काउंट प्लॉट डेटा किल्स डॉट एच टाइप str डॉट सॉर्ट वैल्यूज, ओके। और मैं अपने ग्राफ का कुछ टाइटल दूंगा, तो उसके लिए क्या होता है, plt डॉट टाइटल होता है, तो टाइटल में दे दूंगा किल। ग्राफ किस चीज का है, किल काउंट, ठीक है, किल काउंट। और मैं इसका साइज दे देता हूँ, डॉट फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज नहीं आ रहा है तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं भाई, फॉन्ट साइज इक्वल टू 15 दे देता हूँ, और इसको plt डॉट शो कर देता हूँ, ठीक है। ये देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, तब तक मिलते हैं अभी ये बन जाए तो, क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत बड़ा है, तो पूरा डेटा रन करने में थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, तो आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा पेशेंस रख के देखते जाना है और साथ साथ में करते जाना है। तो देखते हैं बनता है कि नहीं हमारा। तो अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा डेटा बन के, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, आपकी पूरी वैल्यू आपको दिख सके। तो जो ग्राफ का क्या था, किल काउंट, ठीक है, और इसको मुझे इस साइड भेजना पड़ेगा, ठीक है, इसको इस साइड भेजते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे 0 बंदे किल करने वाले, ये 0 जितने बंदे जो हमारे हैं, इसमें से 0 किल करने वाले बंदों की नंबर्स ए हैं, ठीक है, और 1 किल करने वालों की संख्या ए है, 2 एनिमी को मारने वालों बंदे इतने हैं, 3 एनिमी को मारने वाले बंदे इतने हैं, 4th को ऐसे, 6th को ऐसे, 7th को, और 8 या 8 से ज़्यादा बंदों को मारने वाले बंदे हमारे पास, ये 0.8 नहीं है, इसको हमको करना पड़ेगा 8, ठीक है। तो एक बार फिर रन कराते हैं, गलती से हमारा 0.8 होना चाहिए ना, मैं क्या कर रहा था कि अगर 7 या 7 से ज़्यादा किल है तो उसको मैं वैल्यू दे दूंगा 8, ठीक है, नहीं तो हमारा ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 जीरो से लेके मैक्स 72 किल्स हैं, तो जो 7 या 7 से बड़ी वैल्यू है, तो ये देखिए अब आपका ग्राफ बन गया, ये 0 किल करने वाले हैं, ये 1 किल करने वालों की संख्या, ये 2 किल करने वालों की संख्या, ये एक बार एक इस आपको इस बार और ध्यान से देख लीजिए क्या किया मैंने। एक मैंने पहले डेटा बनाया, उसमें उसको कॉपी कर लिया अपने पुराने डेटा को, ठीक है, फिर क्या किया, डेटा डॉट एलओसी किया, और डेटा डॉट किल्स अगर बड़ा है किससे, डेटा डॉट क्वांटाइल, अब क्वांटाइल 99% की वैल्यू कितनी आई थी, 7, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 99% बंदे जो है केवल 7 बंदों को मारे हैं, 7 या 7 से कम बंदों को मारे हैं। फिर मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू 8 दे दी, मतलब अगर 7 से ज़्यादा किल किए हो आप, चाहे 10 किए हो, चाहे 12 किए हो, चाहे 8 किए हो, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं अभी ये 8 तक गया है, वैसे मैक्सिमम किल 72 था, ये बहुत बड़ा ग्राफ बन जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 8 दे दिया। फिर उसके बाद plt add fix size में हम लोग को पता है 15 क्रॉस 10 दे देते हैं, जो हम इसका ए ग्राफ देना चाहते हैं, और sns add count plot दे दिया, इसमें हमने वैल्यू को सॉर्ट कर दिया, मतलब पहले सबसे बड़ी वैल्यू आए, फिर छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया किल काउंट, यहाँ पे रहा किल काउंट का टाइटल, और ये हमारा मैंने plt add शो कर दिया। ये तो रहा हमारा पहला ग्राफ, और अगर मैं आपको अगला ग्राफ दिखाऊं कि डैमेज वाला देखूं, ये अगर आपको दिखाऊं मैं, फिर मैंने डैमेज देखा था कि वो बंदे होते हैं ना कि भाई साहब मैंने बस मारने वाला था, जो 0 किल करते हैं बोलते हैं कि बस मैं मरने वाला था, उसकी उसको मारने वाला था, उसका डैमेज एकदम हेल्थ डाउन हो गया था, 0 हो गया था, बस मरा नहीं। तो मैं उसको देखना चाहता हूं कि जो बंदे 0 किल किए हैं उनका डैमेज कितना है, तो मैं यहां पे एक डैमेज वाला दे देता हूँ। सो लेट्स सी हाउ मेनी प्लेयर्स हू हैव 0 किल्स
हाउ मेनी डैमेज दे गेट, ठीक है, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे डैमेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जिन्होंने जीरो किल किया। तो कैसे डैमेज अगर आप देखेंगे तो इसको देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ट्रेन डॉट कॉपी कर लेता हूँ अपने डेटा को, और फिर करता हूँ डेटा इज इक्वल टू डेटा ऑफ, हमको चाहिए किल्स वाला, तो यहाँ पे किल्स वाला ले लेते हैं, किल केवल किल है ना, यानी किल्स है, ठीक है, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम डेटा में वो वाले बंदे ले रहे हैं जिनका किल जीरो है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमको इसका ग्राफ अप ड्रा करना है, हमारे पास बंदे तो आ गए, हमको इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो हमको पहले देना पड़ेगा उसका साइज। तो हम क्या लिखेंगे, पी एल टी डॉट फिगर, फिगर ये रहा फिगर, इसमें हम लोग इसको साइज दे देंगे, फिक्स साइज दे देते हैं 15x10, 15x10, और हम लोग इसका प्लाट करते हैं, टाइटल देते हैं पी एल टी डॉट टाइटल, TITLE, टाइटल, टाइटल में क्या करेंगे, दे देते हैं डैमेज डील, डैमेज डील बाई जीरो किल, बाई जीरो किल्स, ठीक है। और जिन्होंने जीरो किल किया है उन्होंने डैमेज कितना किया मैं वो देना चाहता हूँ। और इसका हम लोग दे देते हैं फॉन्ट साइज, दे देते हैं फॉन्ट साइज इसका कितना कर देते हैं, 15 कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज 15 कर देते हैं, और इसको प्लस करते हैं, इसका डिस्ट प्लस करते हैं DIST। और अगर आपको याद हो डिस्ट प्लस हम और क्या करते हैं, डिस्ट प्लाट से और क्या करते हैं, अगर डिस्ट प्लाट से आपको याद हो तो डिस्ट प्लाट से हम लोग नॉर्मलाइजेशन चेक करते हैं कि हमारा डेटा जो है नॉर्मलाइज फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम करेंगे डिस्ट प्लॉट डेटा ऑफ इसका डैमेज का, डैमेज डेल्ट, तो करते हैं डैमेज DMA, तो डैमेज, और यहाँ पे देते हैं डेल्ट DELT, डैमेज डेल्ट, ओके। और तो हम लोग PLT डॉट शो कर देते हैं। तो देखिए इसमें कुछ एरर आ गया, बोल रहा है कि एरर फ्रॉम एरर, ये पूरा गलत हो गया, क्या बोला, डैमेज डेल्ट, ठीक है, डैमेज डेल्ट इसको नहीं मिला, तो हमने कॉलम की वैल्यू गलत दे दी। इसको कॉलम को सही करते हैं फिर से, डेटा ऑफ डैमेज DAME GETELT, ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल डी है डैमेज डेल्ट में, तो ठीक है। देखिए अभी क्या होगा, ये ग्राफ किसका है, जितने बंदे जीरो किल किए हैं, ठीक है, उन्होंने डैमेज दिया कि नहीं है, ये उसका है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। बेसिकली इसमें आप जितने भी ग्राफ ड्रा करोगे थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, क्योंकि जो हमारा डेटा सेट बहुत बड़ा है। तो ये देखिए ये वाला ग्राफ हमको मिल गया, इसमें क्या है कि जिन्होंने जीरो किल किया केवल उनका ग्राफ है, उन्होंने डैमेज कितना किया, बहुत कम, जीरो डैमेज दिया है, जीरो डैमेज दिया है, 500 डैमेज बहुत कम बंदे, 1000 बंदे तो जीरो ही हो गए, मतलब जीरो मुझे देखने में लग रहा है जीरो, लेकिन कुछ बंदे हैं, देखिए अगर ये वाली लाइन आपको ध्यान से दिख रही हो तो हरी वाली लाइन यहाँ तक है, मतलब कुछ बंदों ने 2000 डैमेज दिया है, लेकिन मैक्सिमम बंदों ने जीरो डैमेज दिया है, ठीक है। ये तो रहा हमारा डैमेज वाला पार्ट। और अगर अगर हम आगे देखें तो आगे हम क्या देख सकते हैं कि आगे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका कोरिलेशन कैसा है, किलिंग के साथ कोरिलेशन कैसा है। तो कोरिलेशन देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो अगर मैं बात करूं कि मेरे को नंबर बताओ जिन्होंने जीरो किल करके, जिन बंदों ने जीरो किल करके और मैच को जीत लिया, टोटल मेरे पास जो 44 लाख बंदे हैं, 44 लाख मैच हुआ है, उसमें से कितने बंदों ने, कितने टीमों ने जीरो किल किया बट फिर भी वो मैच जीत गए। तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले वो डेटा चाहिए, हमारे पास वो डेटा है, यहाँ पे डेटा में क्या है, हमारे पास वो बंदे हैं जिन्होंने जीरो किल किया था, और उस हमारे पास ये टोटल डेटा में से हम उनको निकालेंगे जिन्होंने जीता है,
जिन्होंने जीता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा हमारे पास वो बंदे जिन्होंने 0 क्लिक किया और उनकी बिन प्लेस परसेंटेज 1 है। ठीक है, अगर इसका हमको परसेंटेज चाहिए तो टोटल डेटा से डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसको हम रन करवाएं तो आप पाएंगे कि प्लेयर्स हैव ओन विदाउट अ सिंगल किल 60,000 16,666। इतने बंदे हैं जिन्होंने 0 क्लिक किया और फिर भी वो लोग जीत गए, 0 क्लिक किया फिर भी जीत गए। देख रहे हैं, मतलब अगर आप 0 किल नहीं कर रहे फिर भी आप मैच जीत सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ऐसे बंदे बताओ जिन्होंने 0 भी किल किया और 0 किल किया और जिन्होंने डैमेज भी नहीं लिया, डैमेज भी नहीं दिया तुमको, थोड़ा सा भी उन्होंने डैमेज भी नहीं दिया, तो आप लोग क्या करोगे? उसके लिए पहले पास हमारे पास डेटा होना चाहिए जिनका डैमेज डेल्ट 0 है। तो मैंने डेटा 1 में जिनका डैमेज 0 है उनको ले लिया, और फिर उनमें से जिनका डैमेज 0 है उनका बिन बिन प्लेसमेंट बिन प्लेस परसेंटेज जिनका वन है उनको निकाल लिया, उनका लेंथ निकाल लिया। अगर हम ये तो हमको मिल जाएगा वो बंदे जिन्होंने 0 किल करके 0 डैमेज दिया, 0 डैमेज दे करके मैच जीत गए, और उनका परसेंटेज निकालना होगा तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा और लेंथ से डिवाइड कर दूंगा टर्न के। तो आपको यहाँ मिल जाएगा प्लेयर्स हैव ओन विदाउट डीलिंग डैमेज, मतलब उन्होंने डैमेज भी नहीं दिया, और कितने बंदे जीत गए उससे, टोटल 4,770 बार, 40 लाख में से 44 लाख में से टोटल इतनी बार जिन्होंने 0 डैमेज दिया उन्होंने मैच जीत लिया। मतलब आप एक जगह छुप के मैं भी मैच जीत सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिनिंग उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी केवल 10% है कि आप एक जगह छुप के मैच को जीत सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कोरिलेशन की बात करूँ, अगर मैं आपको कोरिलेशन निकालने की बात करूं तो आप लोग कैसे करोगे? तो मैं SNS में जॉइंट प्लॉट का यूज करूंगा और यक्स को दे दूंगा, यक्स को मैं दे दूंगा विन प्लेस परसेंटेज, ठीक है, और वाई को मैं दे दूंगा किल्स, वाई को KIISS, ठीक है, और डेटा को मैं दे दूंगा अपना, हम अपना ट्रेनिंग डेटा दे देंगे TRAN ट्रेनिंग, ठीक है। और हमको हाइट भी दे सकते हैं HE, हाइट दे देते हैं 10, और रेशियो दे देते हैं RATIO, रेशियो हम लोग 3 दे देते हैं, एंड एंड कलर हम लोग कलर को रेड दे देते हैं, ठीक है। इसको रन करवाते हैं, ठीक है। विन प्लेस परसेंटेज वाई में किल्स दे दिया, डेटा में ट्रेन दे दिया, हाइट 10 दे दिया, रेशियो 3 दे दिया, कलर रेड दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या हमको ड्रा करके आएगा, इससे हमको हमारे पास एक कोरिलेशन मिलेगा कि मतलब जिन्होंने 0 किल किया और जिन्होंने मैक्स किल किया, उन जिन्होंने 0 किल किया उनकी बिन प्रोबेबिलिटी कितनी है, और जिन्होंने मैक्स किल किया उनकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने वैसे आपको पहले दिखा दिया है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको दिखा दिया कि 37% लोगों ने 0 किल करके भी मैच को जीत लिया, ठीक है। हम इसी चीज को हम लोग ग्राफ में देखते हैं, ठीक है। ग्राफ में कैसे दिखेंगे तो ये देखिए, मेरे पास ग्राफ बन के आ गया। देखिए जिन्होंने 0 किल किया, मैंने आपसे बोला था 37% बंदे जीत गए थे, 37% 0 किल करके, ये देखिए 0 किल और जीतने वाले ये वाले बंदे 37% बंदे जीत गए। तो ये रहा हमारा ये वाला ग्राफ। अब तो हम लोग चलते हैं ये वाला ग्राफ ड्रा करने। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो कैटेगरी आ जाए, मतलब 0 से 1 किल करने वाले कितने बंदे हैं, फिर 0 से 1 से 2 कितने किल करने वाले बंदे हैं, फिर 2 से 3 कितने किल करने वाले बंदे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कैटेगरी बना के मतलब देखते हैं, बॉक्स प्लॉट जिसे बोलते हैं, तो उससे एक बार ड्रा करके देखते हैं। तो किल्स हम लोग किल्स में ले लेते हैं, ट्रेन डॉट कॉपी, ठीक है। हमारे पास ट्रेन डेटा है, मैंने उनको उसको कॉपी कर लिया किसमें, किल्स वाले डेटा सेट में। अब मैं करूँगा किल्स, और यहाँ पे लिखूंगा किल्स कैटेगरी, किल्स कैटेगरी RIES, किल कैटेगरीज इक्वल टू PD डॉट कट। आपने डेटा फ्रेम में कट वाला फंक्शन पढ़ रखा होगा, PD डॉट कट, अगर नहीं पढ़ा फिर मैं भी आपको समझा दूंगा कि कट क्या करता है। तो किल्स, इसमें हमारे पास किल्स नाम का ये भी होगा, और इसको हम लोग दे देते हैं -1 0 2, -1 0 2, और दे देते हैं हम लोग 5 10
60, ठीक है। और लेबल ले देते हैं, यानी BEL लेबल ले देते हैं हम लोग, जीरो किल्स, जीरो किल्स, ठीक है। और अगला ले देते हैं वन से टू किल, वन से टू किल्स, ठीक है, वन से टू किल्स। अगला देते हैं, अगला थ्री से फाइव किल, थ्री से फाइव किल्स। तो हमने क्या किया कि ये सिक्स टू टेन किल, टेन प्लस किल कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने एक कट किल्स कैटेगरी नाम का एक नया फंक्शन, एक नया कॉलम बना लिया। उसमें क्या कर दिया कि जीरो किल वालों को जीरो किल्स का नाम दे दिया, वन से टू किल वालों को जो किल्स के कैटेगरी में माइनस वन जीरो टू वन सिक्सटी थे, ठीक है। एक्चुअली इसमें कितने थे, मैक्सिमम 72 थे ना, तो 72 डाल देते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको शो करते हैं plt.plt.figure, फिगर, और इसमें लोग फिक्स साइज डाल देते हैं, फिग साइज 15.8, ठीक है। और इसका बॉक्स प्लॉट कर देते हैं, यस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, और इसमें देते हैं यक्स इक्वल टू किल्स कैटेगरीज, किल्स कैटेगरीज जो हमने नया कॉलम बनाया है। और वाई वाले एक्सिस पे दे देते हैं हम लोग कि विन प्लेस परसेंटेज कितना है, ठीक है। और डेटा हम लोग दे देते हैं क्या, किल्स के आई डबल एल एस, ठीक है। और इसको हम लोग पीएलटी डॉट शो कर देते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है हमको, कुछ नजर आता है कि ठीक है बन गया। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें जो हमारा पूरा डेटा था जितने किल किए थे हमने उसको जीरो से जीरो किल में कर दिया, वन से टू किल्स में कर दिया, और थ्री से फाइव किल्स में डिवाइड कर दिया, और सिक्स से टेन किल्स में डिवाइड कर दिया, और जो टेन या टेन से ज़्यादा किल हैं उनको हमने टेन प्लस किल में कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा जो टेन प्लस किल वाला है थोड़ा कम है, जो वन से टू वाला किल है ये सबसे ज़्यादा लोगों ने किया है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे किलर के बारे में, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें रनर वालों की बात, रनर वालों की बात, ये रहा हमारा अगला रनर वाला बात। तो हम लोग रनर वाले में क्या करेंगे देखते हैं, पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं कि कितने एवरेज है जो रन किया गया है, कितना लोगों का एवरेज रनर है, ठीक है। उनका एवरेज निकाल लेते हैं, और एवरेज कैसे निकलता है, मीन से निकाल लेंगे, ठीक है। और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, उनका जो मैक्स कितना रन किया वो निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको निकालते हैं। तो अब हम लोग रनिंग की बात करते हैं, तो रनिंग की बात में पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं जानना चाहूँगा कि एवरेज बंदों ने कितना रन किया है, ठीक है। और फिर मैं जानना चाहूँगा कि 99% बंदों ने कितना रन किया है, ठीक है। और फिर मैं जानना चाहूँगा कि मैक्स रन जितना होगा वो कितना होगा है। तो मैंने वही सेम चीज़ लिख रखा है कि एवरेज रन कितना हुआ है, ठीक है। और ये 99 क्वांटाइल 99% क्या है, मैंने आपको पीछे बताया था कि क्या है कि 99% बंदों ने कौन सा काम किया है, मतलब इस केस में 99% बंदों ने कितना डिस्टेंस रन किया है, कितना डिस्टेंस वॉक किया है। और अगर मैं वॉक डिस्टेंस डॉट मैक्स, मतलब कितने बंदों ने जो मैक्स डिस्टेंस है, मैक्स डिस्टेंस मतलब कॉलम का मैक्स डिस्टेंस कितना है, तो इसको रन करवाते हैं। तो क्या हुआ, जब क्या हुआ, जो एवरेज रनिंग है वो 11.1154 मीटर्स है, और जो क्वांटाइल है मतलब कि 99% बंदों ने 4396 मीटर दौड़ा या उससे कम दौड़ा, ठीक है। और वो बंदा जिसने सबसे ज़्यादा दौड़ा, जो विनर है, जो विनर है वो किसने, मतलब विनर का मतलब यहाँ पर जो दौड़ाई में जो किसने कितना ज़्यादा दौड़ा उसमें विनर कौन है, जो सबसे ज़्यादा दौड़ा है वो, उसने कितना दौड़ा है, 25,780 मीटर उसने दौड़ा है। अगर मैं इसको ग्राफ के फॉर्म में देखना चाहूँ तो कैसे करूँगा, तो अपने ऊपर अब तो कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा, डेटा इक्वल टू ट्रेन को कॉपी कर लूँगा, ट्रेन डॉट कॉपी, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा, डेटा इक्वल टू डेटा ऑफ
और इसमें मैं करूँगा कि हमको चाहिए वॉक डिस्टेंस, तो वॉक डिस्टेंस DISTANCE वॉक डिस्टेंस हो गया। और अगर ये छोटा है किससे, डेटा ऑफ वॉक डिस्टेंस, वॉक DIS ठीक है, डॉट क्वांटाइल 0.99 ठीक है, डेटा हमारे पास आ गया। क्या अगर जितने बंदे 99% वालों ने कितना दौड़ लगाया है, तो 4,396 मीटर। और हमको अब इसको प्लॉट करना पड़ेगा, तो PLT डॉट फिगर हम लोग कर देंगे फिक्स साइज, हमको इसमें अपना फिक्स साइज देना पड़ेगा, तो फिक्स साइज दे देते हैं हम लोग 15:10 दे सकते हैं या कुछ और भी दे सकते हैं आपका जो मन करे। और हम इसका टाइटल देते हैं PLT डॉट टाइटल, तो टाइटल क्या दे सकते हैं, टाइटल हम लोग दे देते हैं वॉकिंग डिस्टेंस वर्सेस वॉकिंग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। और इसका हम लोग फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं 15। और इसको हम लोग शो करने के लिए PLT डॉट शो कर देते हैं और इसको रन करवाते हैं, देखते हैं कोई एरर मिलती है या फिर चल जाता है। तो डेटा काफ़ी बड़ा है, तो मैंने बोला था कि डेटा काफ़ी बड़ा है तो इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो ठीक है, हमारा ड्रा तो हो गया, नंबर भी लिख गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई, बट हमको ग्राफ नहीं लिखा। ठीक है, इसको देखते हैं क्या गलती हुई है हमसे। तो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा तो नहीं किया, इसको ड्रा कर देते हैं PLT डॉट डिस्ट प्लॉट DISTPLOT PLT डॉट डिस्ट प्लॉट। और इसमें हमको क्या देना पड़ेगा, हमको डेटा देना पड़ेगा, डेटा ऑफ कौन सा वॉकिंग डिस्टेंस वाला, ये वॉक डिस्टेंस WALK DISTANCE ठीक है, वॉक डिस्टेंस को रन कराते हैं, डेटा वॉक डिस्टेंस ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो में हमारा आ गया एरर, एरर में क्या है, मॉड्यूल माइट प्लॉट रिपेयर प्लॉट हैज नो एट्रीब्यूट डिस्ट प्लॉट। तो सॉरी, ये डिस्ट प्लॉट हमारा किस में होता है, यस CNS में होता है ना, तो SNS करते हैं, SNS.DistPlot। तो एक्चुअली हमने कर रखा है, तो अगली बार सब इसी को हम लोग कॉपी कर देंगे जो भी हमको आगे ड्रा करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे पास ये ग्राफ आ गया। इसमें क्या है कि वो बंदे हैं जिन्होंने डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस वॉक डिस्टेंस, वॉक डिस्टेंस 0 कवर करने वाले बंदे की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसे बंदे जिन्होंने 0 डिस्टेंस कवर किया है, ऐसे बंदे जिन्होंने 1000 मीटर के डिस्टेंस कवर किए है उनकी डेंसिटी थोड़ी कम है, 2000 वाले की और कम है, 3000 वालों की और कम है, और 4000 वालों की और कम है। इससे आप आगे जाएंगे तो आपको इससे भी कम मिलेगी। तो ये तो रहा हमारा कि जो बंदे कितना दौड़ रहे हैं, बट हमको अब क्या चाहिए, हम ये चाहते हैं कि जो बंदे, हमको उसमें कोरिलेशन चाहिए कि अगर हम कम दौड़ रहे हैं तब हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर हम ज्यादा दौड़ रहे हैं तब हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ज्वाइंट प्लॉट करना पड़ेगा, तो करते हैं ज्वाइंट प्लॉट। तो SNS.JOINTPLOT JOINT ठीक है, ज्वाइंट प्लॉट। और एक्स को दे देते हैं क्या, विन प्लेस परसेंटेज, और वाई को दे देते हैं वॉक डिस्टेंस WALK DISTANCE वॉक डिस्टेंस दे देते हैं। और डेटा को दे देते हैं हम अपना ट्रेन और हाइट IGST, हाइट दे देते हैं हम कितना 10 दे देते हैं, और रेशियो 3, और कलर कर देते हैं रेड कर दें या कुछ भी कर सकते हैं ठीक है। इसको रन करवाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, इसको तो हमको वो भी तो करना पड़ेगा ना,
डॉट ठीक है। तो पाथ कलेक्शन ऑब्जेक्ट है नो रेशियो में केवल ऑफ होगा ठीक है, कलर में हमारा रेड। तो इससे हमारा क्या आएगा कि हमारे जो बंदे रन कर रहे हैं, जो वॉक कर रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या फिर जो बंदे एक जगह छुपक के बैठे हैं, छुप के बैठे हैं, उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए हमारे पास ग्राफ आ गया। अगर आप ग्राफ ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखता है कि ये वॉक डिस्टेंस है, मतलब बंदों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये हमारा रहा विन परसेंटेज, विन प्लेस परसेंटेज। तो देखिए आप इस तरफ डाटा, अगर हम लाइनें खींचे तो लाइन हमारी कुछ ऐसी आएगी, ऐसी लाइन हमारे पास आएगी। तो ऐसे लाइन में क्या होगा कि बंदे वो लोग जो ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, बंदे जो ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। मतलब हमको ओवरऑल क्या करना चाहिए, हमको अगर अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है मैच में जीतने की, हमको जो तेज दौड़ना पड़ेगा, हमको थोड़ा दौड़ते रहना पड़ेगा ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दौड़ेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं, लेकिन आपकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 10% थी कि आप यहाँ बैठ के भी मैच जीत सकते हो, लेकिन अगर आप दौड़ोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगी जीतने की ठीक है। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं हम लोग ड्राइवर वाला पार्ट देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगला चीज हमने वही किया है कि द ड्राइवर को देखते हैं कि ड्राइवर कितने लोग हैं जिन्होंने ड्राइविंग की है, और कितने लोग हैं जिन्होंने ड्राइविंग नहीं की है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अब ड्राइवर वालों को देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि कितने लोग जिन्होंने मतलब एवरेज डिस्टेंस क्या है। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कोड कॉपी भी कर सकते हैं। तो राइड डिस्टेंस, राइड डिस्टेंस ठीक है, और इसका हमको चाहिए क्या, मीन। मीन क्या शो करता है, मीन हमको शो करता है कि एवरेज, जो एवरेज गाड़ी चलाया गया है, राइड किया गया है, व्हीकल चलाया गया है, उनका एवरेज क्या है। तो मैं ये वाला कोड ऊपर से कॉपी करना चाहूँगा जो कि यहाँ पर है ठीक है। तो और इसका मैं चेंज कर दूंगा, इसको मैं चेंज करके राइड डिस्टेंस बना दूंगा ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ राइट डिस्टेंस, कंट्रोल सी, राइट डिस्टेंस इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो ठीक है। ये देखिए इससे हमको क्या मिल जाएगा कि एवरेज जो व्हीकल ड्राइव किया गया है वो 606 मीटर है, और क्वांटाइल 99% का क्या मतलब है कि 99% बंदों ने 6,966 मीटर गाड़ी को व्हीकल किया है या उससे कम ड्राइव किया है, और जो मैक्स था, जो जिसने बहुत ज्यादा गाड़ी चलाई, वो मैक्स गाड़ी कितनी चली है, 40,710 मीटर। तो हम इस चीज को ग्राफ पे देखना चाहेंगे, तो चलिए ग्राफ पे देखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डेटा को एक ट्रेन को एक कॉपी कर लेते हैं, ट्रेन कॉपी, और ऊपर से इसको कॉपी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से मैं आऊंगा और रे इस प्लॉट को कॉपी कर लेते हैं ठीक है, और चलते हैं इसको पूरा करते हैं, पेस्ट मारते हैं। और अब की हमको क्या चाहिए कि हमको राइड डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे हट के आ जाएगा राइड RIDESTANCE, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। फिक्स साइज वही होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग चाहेंगे राइड डिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं वॉकिंग डिस्टेंस की जगह राइट डिस्टेंस RIDE ठीक है, और इसको हमको चेंज करके प्रिंट करना पड़ेगा राइट डिस्टेंस, और इसको हमको शो करना पड़ेगा ठीक है। इसको शो कर देते हैं, एक और मैंने काफी ऊपर काफी बार यूज कर रखा है, तो इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या आएगा हमारा कि कितने बंदों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हमको यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ठीक है देखते हैं क्या मिलता है हमको। एक चीज हम यहाँ पर और भी निकाल सकते हैं कि कितने बंदे हैं जिन्होंने डिस्टेंस कितना जीरो कवर किया, मतलब जिन्होंने ड्राइविंग किया ही नहीं, उनको भी निकाल सकते हैं हम। तो देखिए ये हमारा डेटा है, तो इसमें क्या है कि जीरो डिस्टेंस ड्राइव करने वाले मैक्सिमम बंदे हैं,
जीरो डिस्टेंस ड्राइव करने वाले हमारे पास मैक्सिमम बंदे हैं, और 1000 ड्राइव करने वाले बहुत ज़्यादा कम है, और 2000 मीटर ड्राइव करने वाले उससे भी ज़्यादा कम है, और 3000 उससे भी कम है, 4000 उससे भी कम है, 7000 सबसे कम है। तो अगर मैं पूछूं कि कितने बंदे हैं जिन्होंने जीरो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने बंदे हैं जिन्होंने जीरो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो कैसे आप निकालेंगे? आप सिंपली ऊपर हमने निकाल चुके हैं, तो उसको कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ डेटा, और वो डेटा हमको चाहिए जिनकी जिनकी राइट डिस्टेंस, जिनकी राइट डिस्टेंस, RIDDISTANCE, राइट डिस्टेंस कितनी है? जीरो है, ठीक है। तो इनको देखते हैं कि कितने बंदे जिन्होंने जीरो राइड किया है, तो जिन्होंने व्हीकिल जीरो चलाया है कितने हमारे 33 लाख बंदे हैं। मतलब क्या ही गजब है, 33 लाख बंदे मैच है। मतलब हमारे पास मैच जो होता है पबजी का, उसमें से अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, तो परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो बटे लेन ऑफ ट्रेन, हमको 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है परसेंटेज में देखते हैं कितने बंदे। तो अगर आपको दिख रहा है तो कम से कम 74% बंदे गाड़ी ड्राइव करते ही नहीं है। 74% बंदे एक मैच में, अप्रॉक्सीमेटली हमेशा 74% लोग, मतलब अगर 100 टीम जा रही है हमारे मैच खेलने, उसमें से 74 टीम गाड़ी ड्राइव करती ही नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा लेसन। अगर मैं ये चाहूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि ऐसे बताओ जिन्होंने डिस्टेंस, जिन्होंने ड्राइव किया और गाड़ी को फोड़ दिया, डिस्ट्रॉय किया, गाड़ी गाड़ी डिस्ट्रॉय करके उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या थी, उन्होंने कैसे जीता? अगर कोई एक गाड़ी डिस्ट्रॉय कर रहा है तो कैसे जीता, दो गाड़ी डिस्ट्रॉय किया तो कैसे जीता? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने गाड़ी चलाया ही नहीं। अगर मैं अब ये जानना चाहूँ, जिन्होंने गाड़ी चलाया और डिस्ट्रॉय किया गाड़ी को वो लोग, और जिन्होंने गाड़ी नहीं चलाया वो लोग, उनकी जीतने की ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कैसे बताओगे? तो उसके लिए हम लोग लाइन वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए प्लॉट कर लेते हैं इसको। तो मैं लिखूंगा PLT डॉट सब प्लॉट, और सब प्लॉट में फिक्स साइज देता हूँ, फिक्स साइज 20,10, ठीक है। और हम लोग देते हैं SNS डॉट पॉइंट प्लॉट, POINT पॉइंट प्लॉट, और इसमें देते हैं x इक्वल टू का जो x रहेगा ना, हम उसको देते हैं व्हीकिल डिस्ट्रॉय। ये हमारे पास व्हीकिल डिस्ट्रॉय का था ना, तो व्हीकिल डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये गलत होगा तो हम लोग उसको देख लेंगे। और वाई पी क्या चाहिए हमको? विन प्लेस परसेंटेज चाहिए, PERSC। और हमारे पास डेटा क्या होना चाहिए? डेटा हमारे पास डेटा ही है। कलर हम लोग दे देते हैं, कलर दे देते हैं, कौन सा कलर दें? रेड दे देते हैं, ठीक है, या फिर कलर का कोड लिख लीजिए, ये वाला 60 60 60, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू ले लीजिए। अल्फा का मतलब क्या होता है? कितना ज़्यादा चमकदार होगा, मतलब जो लाइन हम लोग ड्रा कर रहे हैं वो कितना चमकेगी, तो उसको मैं काफ़ी ब्राइट कर देता हूँ, 0.8 कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसमें आपको लेबल देना पड़ेगा, तो यक्स लेवल का नाम मैं दे देता हूँ, नंबर ऑफ व्हीकल डिस्ट्रॉयड, नंबर ऑफ व्हीकल डिस्ट्रॉय, ठीक है। और मैं इसका फॉन्ट साइज दे देता हूँ, फॉन्ट साइज 15 कर देता हूँ। और ये जो हम टाइटल लिख रहे हैं ना, एक्स लेवल वाला टाइटल, उसका फॉन्ट साइज 15, और कलर को तो येलो, कलर को हम लोग कर देते हैं, ठीक है। और इस सेम लाइन कॉपी करके हम वाई लेवल लगा देते हैं, ठीक है, उसी भी। और यहाँ वाई लेवल की जगह एक्स लेवल की जगह वाई लेवल, और इसको चेंज कर देते हैं विन परसेंटेज, तो यहाँ से करते हैं विन परसेंट,
विन परसेंटेज फॉन्ट साइज का कर देते हैं 15, कलर ठीक है। और हमको टाइटल करना पड़ेगा, पी एल टी डॉट टाइटल दे देते हैं। टाइटल क्या दे टाइटल दे देते हैं हम व्हीकल इन डिस्ट्रॉय पर विन, ठीक है, विन रेशियो, ठीक है। और हम लोग इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज 20, और कलर को रेड दे देते हैं, ठीक है, या कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अब ग्रिड में देखना चाहेंगे, और इसको हम लोग अब शो कर देते हैं PLT डॉट, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया, एक्सेस सबक्लास ऑब्जेक्ट हैज नो प्रॉपर्टी फिक्स साइज। तो यहाँ पर इसने फिक्स साइज दे दिया, साइज की जगह क्या होता है फिक्स साइज की जगह। तो यहाँ पर हमको PLT डॉट सब प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसी गलती थी, तो ये हमारा रहा व्हीकल डिस्ट्रॉय का। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं कि देखिए, अगर आप एक व्हीकल डिस्ट्रॉय करते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाती है, अगर आप दो व्हीकल डिस्ट्रॉय करते हैं थोड़ा और बढ़ जाती है, अगर आप तीन व्हीकल डिस्ट्रॉय करते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ा और बढ़ जाती है, चार करते हैं तो थोड़ा और बढ़ जाती है। मतलब आप जितने व्हीकल डिस्ट्रॉय करोगे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा व्हीकल के टर्म में कि अगर, तो इसी कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आपको अपनी प्रोबेबिलिटी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है तो आपको व्हीकल को ज़्यादा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि व्हीकल डिस्ट्रॉय करना भी एक कला है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, अब हीलिंग और बूस्टिंग वाला देखते हैं। तो देखिए, अभी हम हीलिंग और बूस्टिंग वाला देखते हैं कि कितने बंदों ने हील किया और कितने बंदों ने हील नहीं किया। तो उसके लिए मैं ऊपर का सेम फंक्शन यूज करूँगा। ऊपर का सेम फंक्शन क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने बंदों ने एवरेज एवरेज हीलिंग कितना रहा और एवरेज बूस्टिंग कितना रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर हील्स। तो हील्स कितने बंदों ने किया, और हील्स इस तरह दिया गया है कॉलम ही एच ई एल एस हील्स, और ठीक है, इसको देखते हैं क्या आता है। तो जो एवरेज है, जो एवरेज हीलिंग है वो 1 आई, 1.3 के आसपास जो हमारी हीलिंग कैपेसिटी है 1 आई है। और क्वांटाइल 99% का क्या मतलब है कि जो बंदे 99% बंदे या तो 12 हील्स यूज किए हैं या तो 12 से कम हील्स यूज किए हैं। अगर मैं यहाँ पर 80 दूँ तो क्या आएगा, देखते हैं 80% बंदों ने क्या यूज किया था, कितने परसेंट। तो देखो, 80% बंदों ने या तो दो हील यूज किया या दो से कम हील्स यूज किया है, ठीक है। और 99% बंदों ने क्या किया, या तो 12 हील्स यूज किया या तो 12 से कम। और जो मैक्सिमम जिसने ने बहुत सारे हील्स पिया, 80 हील्स पिया गया है, मतलब समझ लो क्या ही बंदा था। तो प्रिंट करते हैं एक बार और हम लोग बूस्ट पे भी निकाल लेते हैं। बूस्ट के लिए भी देख लेते हैं कि सबसे मैक्सिमम बूस्ट कितना गया, ठीक है, कंट्रोल जेड, और इसको हम लोग कंट्रोल सी करते हैं और ठीक है। बूस्ट में देखते हैं कि जो मेन बूस्ट था हमारा, जो मीन है एवरेज लोगों ने कितना बूस्ट यूज किया, 1.1, और क्वांटाइल 99% का मतलब 99% बंदों ने या तो 7 बूस्ट यूज किया या 7 से कम बूस्ट को यूज किया है। अगर आपको 80% बंदे देखने हैं कि 80% बंदों ने क्या यूज किया है, कितना, तो 2 आ रहा है। अगर मैं 70% देखूं तो देखते हैं यार इसमें 1 आएगा 0 आएगा, 1 आया। तो इस क्वांटाइल 70 का क्या मतलब है कि 70% बंदों ने या तो 1 यूज किया, मतलब या तो 1 बूस्ट किया या तो 1 से कम बूस्ट, मतलब 0 बूस्ट किया है, ठीक है। तो और 99 का मतलब हमारे पास कितना बूस्ट आ रहा था, 99, 7 बूस्ट यूज किया है, 7 से कम बूस्ट यूज किया, ठीक है। और जो मैक्सिमम बूस्ट जिसने यूज किया वो कितना नंबर था, 43 नंबर था, ठीक है। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं कि हीलिंग और बूस्टिंग विनिंग परसेंटेज पे कैसे हमको
वर्क कर रही है। तो चलते देखते हैं, डेटा इज इक्वल टू, पहले तो हम कॉपी कर लेंगे ट्रेन डॉट कॉपी, और इसके बाद हम लोग कर लेते हैं डेटा इज इक्वल टू, मैं ऊपर से कॉपी करना चाहूँगा इस चीज़ को, तो हमने पहले काम कर रखा है इस चीज़ को, ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं और एक एक बार हमको और करना पड़ेगा, और यहाँ पर राइज डिस्टेंस की जगह हिल्स, राइज डिस्टेंस की जगह हिल्स एच ई ए एल एस, और यहाँ पर बूस्ट्स, ठीक है, यहाँ हमको बूस्ट्स यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको हिल्स एच ई ए एल एस, और यहाँ पर अब ऐसा हम लोग कम कर रहे हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्वांटाइल 99% और क्वांटाइल 99%। हमको पॉइंट प्लॉट करना है पी एल टी डॉट सब प्लॉट, सब प्लॉट में हम लोग देते हैं फिक्स साइज, ठीक सब प्लॉट्स होता है ना, सब प्लॉट्स बिग फिक्स साइज दे देते हैं हम लोग 20, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट प्लॉट करते हैं, तो एस एन एस डॉट पी ओ, मैंने पॉइंट प्लॉट ऊपर कर रखा है, तो मैं इस पॉइंट प्लॉट को कॉपी करना चाहूँगा, पॉइंट प्लॉट, और यहाँ पर वो दो बार चाहिए ना, एक और दो, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया। हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू हिल्स एच ई एल एस, और दूसरे के हमको दूसरे हमको चाहिए बूस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमको विनिंग परसेंटेज चाहिए, और यहाँ पे हमको विनिंग परसेंटेज चाहिए, और एक बार दोनों का कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर कर देते हैं लाइम और इसका कलर कर देते हैं ब्लू, ठीक है, और इनका सैचुरेशन जो हमको चमकदार चाहिए, ठीक है, हमको दोनों चमकदार चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, ये तो हमारा पॉइंट प्लॉट हो गया, अब हम करते हैं पी एल टी डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट हम लोग देते हैं एक्स इक्वल टू बूस्ट्स, बूस्ट्स, और वाई में लिख देते हैं हम लोग, इसका कलर दे देते हैं, तो इसमें हमको बीच में हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा देखिए मैं आपको दिखाऊं, तो हमको ऐसा हिल चाहिए, हिल्स और बूस्ट, तो इसको हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी एल टी डॉट टेक्स्ट, पहले हमको ऊपर का कॉलम, ऊपर का हमको पॉइंट देना पड़ेगा, तो ऊपर का पॉइंट करीब 0.6, और इसका नाम देता हूँ हिल्स एच ई एल एस हिल्स, और इसका फॉन्ट साइज दे देता हूँ कलर, कलर होता है पहले, कलर दे देता हूँ मैं इसका, पहले एक कलर क्या था लाइन, तो मैं इसका लाइन कलर दे देता हूँ, हिल्स का कलर हमारा लाइन है तो इसका भी लाइन्स, और फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज दे देते हैं यहाँ पर, ये स्टाइल दे देते हैं हम लोग एस टी वाई एल ई, स्टाइल दे देते हैं इटैलिक, ये एल आई सी, और इसी को हम लोग एक बार कॉपी कर लेते हैं, और ये दूसरे के लिए भी काम चला जाएगा, यहाँ पर हमको चाहिए बूस्ट, यस टी एस बूस्ट, कलर में हम इसको कर देते हैं ब्लू, फॉन्ट साइज उतना ही रहने देते हैं, और लोग स्टाइल इसका भी इटैलिक रहने देते हैं, ठीक है, और तो बढ़िया है, टेक्स्ट हो गया। हम आगे चलते हैं और पी एल टी डॉट एक्स लेबल, और एक हमको देना पड़ेगा पी एल टी डॉट लेबल, ये सब काफ़ी बेसिक चीज़ें हमेशा आपको देखना पड़ रहा है, तो ठीक है देख लेते हैं इसको भी, तो लेबल में हम क्या देंगे, एक्स लेबल में हमको देना पड़ेगा कुछ भी दे देते हैं, नंबर ऑफ हील हील्स और बूस्ट, ठीक है, हमको फॉन्ट साइज देना पड़ेगा, साइज दे देते हैं, कलर दे देते हैं,
सेम चीज हमको वाई के लिए भी करना पड़ेगा। वाई पे क्या है कि विन परसेंटेज है हमारा, विन टी आर सी एन टी ए जेड, विन परसेंटेज और इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज तरह देते हैं और कलर इसका भी हम लोग ब्लू दे देते हैं। तो पीएलटी डॉट टाइटल देना पड़ेगा, पीएलटी डॉट टी आई टी एल ए, पीएलटी डॉट टाइटल, इसमें दे सकते हैं हम लोग हील्स ए टी एल एस हील्स वर्सेस बूस्ट, ठीक है। और इसका हम लोग फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज इक्वल टू फॉन्ट साइज का, और कलर का देते हैं ब्लू कलर, ठीक है। तो क्या टाइटल हमारा एक्स लेवल वाई लेवल टाइटल, और पी एल टी डॉट प्रिंट कर देते हैं और पी एल टी डॉट वो कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको, मिलते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद ये बना, आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और ये कोलैब जो है बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ऐसा कुछ बना, देखिए गलती क्या हमारे पास है। तो एक तो बूस्ट और हिल्स दोनों एक साथ आ गए हैं, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। एक वाई लेवल में हमारे पास, तो वाई लेवल को हमको चेंज करना पड़ेगा वाई लेवल, और इसको हमको देना पड़ेगा 0.55। तो आपके पास ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो ये रहा हमारा, हमारे पास ग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि जितने ज़्यादा आप हिल्स लेंगे या जितने ज़्यादा आप बूस्ट मारेंगे उतने ज़्यादा आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है। देखिए जितने ज़्यादा आप जो लोग बूस्ट मार रहे हैं, 6 बूस्ट या 7 बूस्ट आपके पास, उतनी ज़्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको आप सही करके फिर से चला लीजिएगा। तो इसमें हमको क्या इनसाइड मिला, इनसाइड ये है कि हम लोग जितने ज़्यादा बूस्ट या हिल्स मारेंगे उतने ज़्यादा हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये तो रहा हमारे पास बूस्टिंग का। अगर हमको कोरिलेशन देखना है तो कोरिलेशन कैसे देखते हैं, कोरिलेशन के पास, कोरिलेशन आपने बहुत बार देख देख रखा है। ये रहा हमारे पास कोरिलेशन वाला, तो इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे करते हैं कि, और ऐसा जो ड्रॉइंग पर हमको अब चाहिए क्या, एक्स इक्वल टू की हमको चाहिए, सॉरी एक्स इक्वल टू, हमको एक्स को नहीं चेंज करना है, हमको वाई को चेंज करना पड़ेगा। और इसमें देना पड़ेगा क्या, एक बार हमको हिल्स का कोरिलेशन चाहिए और एक बार हमको बूस्ट का चाहिए। तो हिल्स का लिए एच ई ए एल यस डेटा कलरेड सिग है, ये सही है। इसको मारते हैं रन, और बूस्ट के लिए यहाँ पे चला देते हैं हम, ठीक है। बूस्ट के लिए वाव डिस्टेंस के लिए हमको बूस्ट मारना पड़ेगा, बूस्ट डेटा इक्वल टू ट्रेन हाइट 10 दे दिया, और ऊपर वाला ग्राफ अगर बन जाए तो हम नीचे वाला रन सेल करते हैं। देखिए दौड़ाना नहीं है क्योंकि गूगल कोलैब है, तो आप कर सकते हैं। एक काम और है आपके पास, अगर आपके पास लैपटॉप बढ़िया वाला है, तो जो मैंने कर रखा था पहले उसको मैंने अपने लैपटॉप पे खुद के किया था, तो उसमें जुपिटर नोटबुक में आप करेंगे तो थोड़ा आपको जल्दी हो जा रहा था, तो आप जुपिटर नोटबुक में कर लीजिए, उसको कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए जो हिल्स है, ये विनिंग प्लेस परसेंटेज और हिल्स, अगर आप इसे देखें ध्यान से तो ये आप क्या दिखा रहा है कोरिलेशन, कि आप जितना ज़्यादा हिल्स लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो ग्राफ है ऐसे कुछ बन रहा है, ऐसे हमारी लाइन बन रही है। तो यहाँ पे क्या है कि आप जितना ज़्यादा हिल्स लेंगे उतना ज़्यादा आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। इसका कलर क्या कर लेते हैं, इसको कलर कर लेते हैं, लाइन कर लें क्या, ठीक है लाइन करके देखते हैं इसको बनता है कि नहीं। तो ये रहा हमारे पास बूस्टिंग का, बूस्टिंग का हमको पास अगर ग्राफ देखा जाए बूस्टिंग वाला, तो ये रहा बूस्टिंग का। बूस्टिंग में क्या हो रहा था, जितने ज़्यादा बूस्ट लोगे उतने ज़्यादा भी हमको विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका भी क्या आएगा, इसका भी हमको पास सेम आना चाहिए कि हाई कोरिलेशन हो। देखिए हाई कोरिलेशन यहाँ पर भी है, ऐसे कुछ लाइन बढ़ रही है, जितना ज़्यादा आप बूस्ट मारेंगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे बूस्ट मारेंगे उतना ज़्यादा आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये तो रहा हमारी हीलिंग और बूस्टिंग वाला ग्राफ। अगर हम आगे चले अब तो हमको आपको दिखाना पड़ेगा, ये देखिए मैंने आपको जो बताया था कि सोलो और स्क्वाड, ये जो सोलो और स्क्वाड था इसको कैसे बनाओगे आप। तो सोलो और स्क्वाड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए सोलो और स्क्वाड वाला बना लेते हैं। कि सोलो स्क्वाड और डुगो इस टाइम अगर हम खेलें तो हमको कैसे
कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा विन कर रहा है, सोलो वाला ज्यादा विन कर रहा है या डुबो वाला ज्यादा विन कर रहा है या फिर स्क्वाड वाला ज्यादा विन कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने ज्यादा सोलो गेम है और या कितने ज्यादा डुबो गेम है या कितने ज्यादा स्क्वाड गेम है, तो आप कैसे निकालोगे? तो अगर सोलो की मैं कहूँ, जो बंदे हमारे सोलो में आ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी टीम है आपको सोलो कैसे मिलेगा? तो अगर सोलो सोलो किया जाए, तो अगर सारे बंदे एक टीम में 100 बंदे आ रहे हैं, अगर क्या होगा सोलो आएंगे तो क्या होगा, उनके पास जो ग्रुप्स होगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स होगा वो कितना होगा? एक एक बंदा आएगा तो ग्रुप कितना हो जाएगा? 50 से ज़्यादा हो जाएगा। 100 बंदे सोलो आ रहे हैं तो क्या 100 ग्रुप बनेगा? अगर दो दो के टर्म दो दो के ग्रुप में बंदे आ रहे हैं तो दो दो के ग्रुप में बंदे आ रहे हैं तो क्या होगा, तुम्हारे पास 50 दूनी 100, 50 टीम बनेगी। अगर मान लो कि जो हमारे बंदे और चार्टर के ग्रुप में आ रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास 3 टीम बनेगी। हमारे पास 3 25 100 के 100, जो हमारे पास 25 बंदे आएंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना होगा 25 होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे सोलो और डुओ और स्क्वाड का? मैं पूछूँ तो आप लोग कैसे निकालोगे? सिंपली करोगे, जो जिनका नंबर ऑफ ग्रुप्स 50 से ज़्यादा है वो सोलो में आएंगे, जिनका 50 या 25 के बीच में है उनका कितना आएगा, डुओ आएगा, क्योंकि 50 दूनी 100, एक टीम में 2 बंदे तो 50 टीम में 100 बंदे। ठीक है, स्क्वाड की बात करूँ तो एक टीम में 4 बंदे तो 25 टीम में 100 बंदे। चलिए वही निकालते हैं। मैं सोलो की बात करूं, सोलो इक्वल टू तुम्हारे पास क्या मिलेगा, ट्रेन। ट्रेन में से हमको वो वाला ट्रेन चाहिए जिनका नंबर ऑफ ग्रुप्स, नम ग्रुप्स कितना है, ग्रेटर देन 50 है। ठीक है, तो इसको देखते हैं प्रिंट करके क्या आता है, सही आता है कि नहीं, लेन ऑफ सोलो। ठीक है, ठीक है, तो 70,900 की ये 1 2, तो करीब 70 लाख बंदे जो है अकेले आए थे। ठीक है, तो ये रहा सोलो का। अगर मैं डुओ की बात करूँ तो आप डुओ कैसे निकालोगे? डुओ निकलेगा ट्रेन, और इसमें से हमको वो बंदे चाहिए जिनका नम ग्रुप्स क्या है, या तो हमारा 50 से छोटा होना चाहिए, और एंड एंड 50 से छोटा होना चाहिए और हमारा जो ग्रुप है वो 25 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 25 और 50 के बीच में ही आएगा, 50 दूनी 100। तो अगर हम देखें, ग्रेटर देन 50, लेस देन 50 होना चाहिए, और ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन एंड ट्रेन ऑफ नम ग्रुप्स, लेस देन एंड ग्रेटर देन 25, और क्या 50 के बराबर हो सकते हैं? हाँ, जो एग्जैक्ट 50 होंगे वो भी तो डुगो में आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डुगो वाला, तो एक बार प्रिंट करा लेते हैं डुगो वाला क्या आ रहा है, डुगो की टीम कितनी है। तो हमको डालना पड़ेगा लेंथ में, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा डुगो वाला, तो ये फट गया, तो इसको देना पड़ेगा हमको ट्रेन में। तो देखते हैं इनवर्टेड सिंटेक्स एंड एंड, तो पाइथन में एंड एंड नहीं होता है, केवल एंड होता है। तो लेंथ ऑफ डुगो मतलब 32,95,326 बंदे डुबो आए थे। अगर मैं बात करूं स्क्वाड की, तो स्क्वाड के लिए क्या होगा, ट्रेन में से हमको वो बंदे चाहिए जिनका नम ग्रुप्स क्या हो, लेस देन या इक्वल टू 25 हो, क्योंकि एक टीम में अगर 4 बंदे हैं तो 25 चौके 100, तो हमारे पास 100 बंदों की 25 टीम बन सकती है, मैक्सिमम 25 टीम बन सकती है। और मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ स्क्वाड, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलता है आपको, स्क्वाड मिलते हैं कि नहीं। तो स्क्वाड में 44,02,000, हमारे पास 44,42,528 टीम हमारे पास स्क्वाड में आई थी। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करूँ तो ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो पहले तो क्या सोलो टीम, सोलो नंबर कितना है, सोलो का नंबर सोलो है, लेंथ ऑफ सोलो है ना,
आप बोलो है, और हमारे पास इनका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 इंटू लेन ऑफ सोलो और डिवाइड बाई लेन ऑफ ट्रेन, और यही चीज मेरे को स्क्वाड के लिए भी करनी पड़ेगी और डुओ के लिए भी करनी पड़ेगी। करते हैं कॉपी, तो करते हैं एक बार और कॉपी, और यहाँ पे लगाते हैं हम प्रिंट, और यहाँ पे डुओ का निकालते हैं, डुओ का नंबर एंड एंड परसेंटेज एंड टोटल डुओ परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर भी परसेंटेज लिख देते हैं, तब टोटल सोलो परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग स्क्वाड का लिखते हैं, तो स्क्वाड का SQAD, स्क्वाड नंबर के लिए हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा वो, और यहाँ पर वो, और यहाँ पर स्क्वायर्ड पर परसेंटेज, स्क्वायर्ड परसेंटेज, ठीक है। इसमें हमको डालना पड़ेगा वर्ड, रन करवाते हैं। तो स्क्वायर नंबर क्या करा, इनवैलिड सिंटेक्स, प्रिंट स्क्वायर नंबर लेंथ टोटल नंबर परसेंटेज, तो ठीक है, तो बराबर रन देते हैं। मैं एक ब्रैकेट साइड देते हैं, तो ठीक है, इसको रन कराते हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग था और ऊपर भी ब्रैकेट मिसिंग था। तो सोलो में कितने बंदे आए थे, 7,09,111, और उनका परसेंटेज 15% बच्चे जो है सोलो में आए थे, 74% बच्चे डुबो में आए थे, 9% बच्चे जो है स्क्वाड में आए थे। देख रहे हैं आप, तो मैक्सिमम जो बंदे खेलने आते हैं डुबो में खेलने आते हैं, ठीक है, सही है। डुबो में अलग ही एंगल मिलता है, तो डुबो खेलने आते हैं मैक्सिमम 74% बंदे, देख रहे हैं, बंदा बंदी मिलकर 74% बंदे डुबो आते हैं खेलने, और स्क्वाड में 9% आते हैं और सोलो में 15% आते हैं, ठीक है। अब हमको हमको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ किल्स में कैसे ये लोग, मतलब जो डुबो आ रहे हैं वो ज़्यादा जीत रहे हैं, या जो स्क्वाड में आ रहे हैं वो ज़्यादा जीत रहे हैं, और जो सोलो आ रहे हैं वो ज़्यादा जीत रहे हैं। मतलब मैं ये वाला ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इस वाले ग्राफ की बात, तो इस वाले ये भी क्या है, पॉइंट प्लॉट है, तो हमने ऊपर पॉइंट प्लॉट एक ड्रा किया है, तो उसको हम लोग कॉपी करने का कष्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। पॉइंट प्लॉट करते हैं, यहाँ पे करते हैं पॉइंट प्लॉट, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको जो डेटा है इसको हमको करना पड़ेगा अरेंज, पहले तो इसको करते हैं, हटाते हैं, और डेटा इज इक्वल ट्रेन डॉट कॉपी, तो ठीक है, हम लोग करते हैं अपना काम। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, एलटी डॉट सब प्लॉट, ठीक है। और यहाँ पे हमको देना पड़ेगा क्या, किल्स और विन परसेंटेज, डेटा इज इक्वल टू हमको देना पड़ेगा सोलो, कलर में दे देते हैं इसको, किस कलर का देते हैं हम इसको, कलर का ब्लैक कर देते हैं, BLSC के अल्फा ही रहते हैं, और दूसरा वाला जो हमारा होगा तो हमारा होगा क्या, दूसरा वाला कर देते हैं डेटा को DU वाला कर देते हैं, डुओ वाला, और इसका कलर कुछ अलग रखते हैं, इसका कलर हम लोग दे देते हैं, अलग अलग कलर देखेंगे तो आपको देखने में ज़्यादा आसानी होगी, और कोई बात नहीं है। CC और ये वाला कलर हम लोग देते हैं, ठीक है। और हमको इसको एक बार स्क्वाड के लिए भी प्रिंट करना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ,
किल्स वाई विन प्लेस, टू की जगह क्या हो जाएगा स्क्वायर्ड, बट आ गया। और कलर हम लोग दे देते हैं इसका हैश टैग 33 99 यफ, ठीक है। और इसके बाद हम लोग टेस्ट देते हैं, टेस्ट के लिए हम लोग देते हैं 37 और 0.6। और पहला वाला जो हमारा था, पहले वाले में क्या था, सोलो था ना, हाँ सोलो था। कलर सेम कर देते हैं इसका ब्लैक BLAC के, फॉन्ट साइज 17 स्टाइलिंग कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए दूसरे वाले के लिए हमारे पास डुओ था 55, इसको कर देते हैं डुओ। कलर इसका सेम रखते हैं, जो लाइन का कलर है इसके लाइन का कलर है हैश टैग CC12340, फॉन्ट साइज स्टाइलिंग। तो हमको एक बार कॉपी करके हमको स्क्वाड के लिए भी करना पड़ेगा, स्क्वाड के लिए भी कर लेते हैं इसको हम लोग डुओ, और ये है स्क्वाड का स्क्वाड। कलर इसका हैश टैग 33 99 या फिर कौन सा स्टाइलिंग इटैलिक, ठीक है। यक्स लेवल दे देते हैं क्या, यक्स पे हमारा पास है देते हैं, यक्स पे नंबर ऑफ किलिंग क्या आएगा, नंबर ऑफ किल्स, और वाई पे विन परसेंटेज यही जाए। और टाइटल इसका दे देते हैं सोलो VS डुओ VS स्क्वाड, VS डुओ VS स्क्वाड, ठीक है। PLT डॉट ग्रिड करवाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा क्योंकि ऊपर वाले उन्होंने देखा, ऊपर वाली लाइन बनाने में ये वाली लाइन है, पॉइंट प्लॉट हम लोग किए थे ये वाला पॉइंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। सब रखो बन के आ जाएगा फिर हम लोग। तो काफ़ी टाइम के बाद ये हमारा ग्राफ बन के आ गया। इस ग्राफ में क्या है, नंबर ऑफ किल्स दिया है, सोलो दिया है, डुओ दिया है, स्क्वाड दिया है। तो इसमें क्या हमको पता चल रहा है कि आप, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि सोलो में कम किल करने पे ज़्यादा विनिंग चांस मिलता है, स्क्वाड में हमको किलिंग्स मिल जाता है, थोड़ी विनिंग चांस हमको कम मिलता है, डुओ में और सोलो में अक्सर सेम मिलता है, ठीक है। विनिंग चांस हमको थोड़ा ज़्यादा मिलता है डुओ और सोलो में। तो ये रहा हमारे पास सोलो डुओ वर्सेस स्क्वाड का। अब हम कोरिलेशन पता करने चलते हैं, हम लोग अब चलते हैं कोरिलेशन पता करने, ठीक है। तो कोरिलेशन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यफ और AX डालते हैं, इसे डालते हैं PLT डॉट सब प्लॉट्स, PLT डॉट सब प्लॉट्स, और इसमें हम लोग डालते हैं फिक्स साइज, और इसको दे देते हैं 15, एक स्क्वायर हमारा बनेगा। और इसके बाद देते हैं SL। अगर आपको पता हो तो कोरिलेशन वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है वो किससे बनता है, हीट मैप होता है वो, हीट मैप SNS डॉट हीट मैप। इसमें हम लोग देते हैं ट्रेन, हाँ ट्रेन का कोरिलेशन चाहिए, और को एन नॉट को ट्रू करना पड़ेगा, और हमको लाइन विड्थ लाइन WITTH लाइन WILINE WIDT लाइन विड्थ, लाइन विड्थ को हम कर देते हैं 0.5, और FMT को कर देते हैं 0.1F, और हम AX को कर देते हैं AX, ठीक है। और हम करते हैं PLT डॉट रन करवाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। 15.15, ठीक है। तो देखते हैं SNS डॉट हीट मैप। तो देखिए आपको रखना पड़ेगा कि इस ग्राफ में हमको हर एक ग्राफ को प्लॉट करने के लिए टाइम तो लगेगा, क्यों टाइम लगेगा भैया साहब, इतना बड़ा डेटा सेट है, प्रोसेस करने में हमको टाइम तो लगेगा। तो ये रहा हमारे पास हीट मैप, हीट मैप में हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें हम लोग कोरिलेशन देख सकते हैं विनिंग परसेंटेज और अलग अलग से हर एक वेरिएबल किससे ज्यादा कितना कोरिलेशन रखा हुआ है। जितना ज्यादा कोरिलेशन होगा हमको उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है।
मैं यहाँ पे आपको बात करूँ, मैं हेड शॉट किल्स करूँ, अगर हेड शॉट किल्स का देखूँ तो 0.6 है। किसके साथ है? तीसरे कॉलम के साथ। तीसरे कॉलम के साथ डैमेज डेल्ट, डैमेज डेल्ट और हेड शॉट में 0.6 का रिलेशन है, ठीक है। तो अगर मैं किल्स और 0.9, देखो ये बहुत बढ़िया कोरिलेशन है, 0.9 का किसके बीच में है? किल्स का है और डैमेज है का है। तो ये बोल रहा है कि आप जितना ज्यादा वैल्यू बड़ा होगा, मतलब अगर आप जितना ज्यादा किल करोगे उतना ज्यादा डैमेज भी पाओगे, या उसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, आप जितना ज्यादा डैमेज करोगे उतना ज्यादा आपको किल भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये रिलेशन पूरा है हमारा। रिलेशन में आपको जो जितना बड़ा रिलेशन होगा, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जितना बड़ा रहेगा हमको उतना अच्छा कोरिलेशन देखने को मिलेगा। आप एक दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे ज्यादा इफेक्ट डालेगा, मतलब अगर प्लस में है तो अगर किलिंग का वैल्यू बढ़ रहा है तो वो डैमेजिंग का भी वैल्यू बढ़ रहा है, अगर ये माइनस में रहता तो क्या होता, किलिंग का वैल्यू बढ़ता है डैमेज का वैल्यू घटता। अगर अगर माइनस में रहता तो, अभी यहाँ पे जो 0.9 है, अगर ये -0.9 रहता तो क्या होता, किलिंग का वैल्यू बढ़ता तो डैमेज का वैल्यू घटता है, जो कि ऐसा कभी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग किलिंग ज्यादा करोगे तो वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। अगर ये देखो हमके पास 0.8 का है, 0.8 कोरिलेशन किसके साथ है? वॉक डिस्टेंस वर्सेस विन प्लेस, मतलब आप गेम में जितना ज्यादा वॉक करोगे उतनी ज्यादा आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या है, 0.8 80% का कोरिलेशन है। 80% कोरिलेशन का मतलब कि आप गेम में जितना ज्यादा वॉक करोगे उतना ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमको हीट मैप ड्रा करने से ये फायदा मिल जाता है। अगर मैं इसमें से टॉप 5 की बात करूँ, टॉप 5 अगर मैं इसमें से निकालूँ कि टॉप 5 को पॉजिटिव कोरिलेशन किसके साथ है, तो देखिए क्या कैसे निकालेंगे उसको टॉप 5 का। तो x=2 हम लिखेंगे plt.subplots, इसमें हमको फिक्स साइज देते हैं, फिक्स साइज इलेवन कर देते हैं, ठीक है। और इसमें कॉल्स देते हैं train.correlation, train.core, और train.core.n largest, इसमें देते हैं के, और विन प्लेस p%, PERSC विन प्लेस परसेंटेज, और हमको ना एन लार्जेस्ट को, ठीक है, विन परसेंट प्लेसमेंट देना पड़ेगा, और हमको इसको देना पड़ेगा विन प्लेस परसेंटेज .INDEX, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, SNS.set, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट स्केल ये हम कर देते हैं 1.25, ठीक है। फॉन्ट स्केल हमने कर दिया 1.2, ठीक है, 1.25। हम आगे चलते हैं, हीट मैप ड्रा करते हैं, SNS.heatmap किसके बीच में, CM और C बार इक्वल टू ट्रू, और हम एन नॉट कर देते हैं, ये भी क्या ट्रू, और हम लोग कर देते हैं स्क्वायर, स्क्वायर को भी ट्रू कर देते हैं, और हम लोग FMT को 0.2, यप FMT को 0.2, ठीक है। और हमको डालना पड़ेगा एन नॉट के डब्ल्यू एस को हमको देना पड़ेगा साइज, और साइज हम लोग दे देते हैं 10, और इसको देना पड़ेगा वाई टी केबल्स इक्वल टू, हम देते हैं कॉल्स डॉट वैल्यूज, और TXT केबल्स को हम दे देते हैं, यहाँ पे भी देते हैं कॉल्स डॉट वैल्यूज, ठीक है। और उसके बाद हम लोग PLT डॉट शो कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है।
गलती आ गई, इनवैलिड सिंटेक्स, वाई केबल्स, YTICKLBES और इनवैलिड सिंटेक्स। तो यहाँ पर हमको एरर मिल रहा है, इसको हमको ब्रैकेट से बाहर करना पड़ेगा, ब्रैकेट से बाहर करते हैं और देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो हाई मैक्स पॉजिटिव कोरिलेशन है वो हमको ड्रा होके मिल जाएगा। तो ये देखिए, जो हमारा 5 मैक्स पॉजिटिव कोरिलेशन है, 81 का है, वाव डिस्टेंस का 63 है, बूस्ट का और विन परसेंटेज का, और वेपन एक्वायर्ड, मतलब जितना ज़्यादा आप वेपन लेके चलेंगे, जितनी मैच की टीम जितनी ज़्यादा वेपन लेके चलेगी उतने ज़्यादा विनिंग चांस उसके ज़्यादा हैं, डैमेज डेल 44 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 5 कोरिलेशन है जो पॉजिटिव हमको वैल्यू देते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये जो विन प्लेस परसेंटेज है, वॉक डिस्टेंस है, बूस्ट है और वेपन एक्वायर्ड है और डैमेज डेल्ट है और किल प्लेस है, हमारे पास यहाँ पे एक किल प्लेस, अगर आप देखें तो किल प्लेस में, किल प्लेस दे रहा हूँ, ठीक है। इसका अगर हम किसके साथ देखें, इसी के साथ देखते हैं, जो 0.6 माइनस 0.6 माइनस 0.7 माइनस 0.8 का है, तो ये किसके साथ है देखते हैं, इस वाले रो में किल स्ट्रिक्स में इसका माइनस 0.8 है। फिर मैं इन सब का, मैं जितना नाम लिया हूँ इन सब का, एक मैं पेयर प्लॉट ड्रा करूँ। तो पेयर प्लॉट कैसे ड्रा करते हैं, आपको पता होगा, SNS.set, और इसमें मैं अगर कॉल्स में दे दूँ, कॉल्स में दे दूँ विन प्लेस, विन प्लेस PERC, विन प्लेस परसेंटेज, और मैं दे दूँ वॉक डिस्टेंस WALK, वॉक DISTANCE, वॉक डिस्टेंस दे दूँ, और मैं दे दूँ बूस्ट, और मैं दे दूँ क्या, वेपन एक्वायर WEAVPONSACQUIR, वेपन एक्वायर्ड, और मैं दे देता हूँ डैमेज, डैमेज डेल्ट DEAN, डैमेज डेल्ट, लास्ट का किल प्लेस दे देता PLASE, ठीक है। और इसका मैं अगर पेयर प्लॉट ड्रा करूँ, PAIR, PLOT, पेयर प्लॉट, तो ट्रेन मैं डाल दूंगा, पल्स हमारा साइज दे देता हूँ 0.02.5, और इसको PLT.DOT शो कर देता हूँ, ठीक है। इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। पर ट्रेन इज नॉट डिफाइंड, TRAIN, ठीक है। हमको क्या मिलेगा, एक पूरा स्कैटर प्लॉट हमको मिल जाएगा, जिससे क्या क्या हमारा डेटा जो कैसे एक दूसरे से हमारा रिलेशन कैसे रखता है, तो लगेगा क्योंकि डेटा सेट हमारा जो बहुत बड़ा है। कोई नहीं, टाइम हम देंगे इसको, बस ये बढ़िया सा हमको रिजल्ट ला के दे, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं इसका। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा ग्राफ है, हमारा कोरिलेशन किसके साथ कितना है, ये विन प्लेस वर्सेस, विन प्लेस का किसके साथ है, विन प्लेस वर्सेस विन प्लेस परसेंटेज, ये फर्स्ट वाला विन प्लेस परसेंटेज वर्सेस विन प्लेस, तो क्या दोनों एक है, तो 1 का ग्राफ आता है जो हमारा कोरिलेशन बना रहा था, ठीक है। और ये दूसरे का विन प्लेस वर्सेस, ये वाला जो हमारा पास कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है देख लेते हैं, हमारे पास वॉकिंग डिस्टेंस का है, ठीक है। वॉकिंग डिस्टेंस वर्सेस विन प्लेस का कैसा है, कुछ ऐसा है, मतलब विन प्लेस बढ़ रहा है तो विन प्लेस का परसेंटेज अगर बढ़ रहा है तो हमारा वॉकिंग डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है। तो ये आप अलग अलग डायमेंशन में देख सकते हैं कि कैसा हमारा रिलेशन किस डेटा के साथ है, ठीक है। अब हम मैं क्या चेक करने जा रहा हूँ कि अगर आपको चेक करना हो कि एक मैच में कितने प्लेयर आए, ठीक है। मैच तो हमारा जो प्लेयर, हमारा जो पूरा टापू होता है, उस पर कितने 100 बंदे आते हैं उस मैच में, 100 बंदे आते हैं ना, लेकिन तो मैं वो चेक करना चाहता हूँ कितने मैच में, क्या हमेशा 100 बंदे ही आते हैं कि उससे कम या ज्यादा आते हैं,
ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, एक नया कॉलम बनाया, प्लेयर ज्वाइंड, प्लेयर ज्वाइंड में क्लियर बना कॉलम बनाया, उसमें क्या किया ट्रेंड आर्ट ग्रुप बाई कर दिया मैच आईडी से और उसको काउंट में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर विथ काउंट। इसे ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, डेटा इज इक्वल टू ट्रेन डॉट मेथड का हम लोग कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद डेटा इज इक्वल टू हमको वो डेटा चाहिए, डेटा में से हमको वो डेटा चाहिए जिसका प्लेयर ज्वाइंट डेटा, जिनका प्लेयर ज्वाइंट पी एल ए वाई प्लेयर ज्वाइंट कितना हो 49 हो, मतलब मैं समझ चल रहा हूँ कि एक मैच में कम से कम जो 100 बंदे आ रहे हैं उसमें कम से कम हमारे 49 बंदे तो आएंगे ही, ठीक है। तो मैं ये सोच के इसको ले रहा हूँ और डेटा इज इक्वल टू डेटा, ठीक है हमको डेटा मिल गया प्लेयर ज्वाइन जो ग्रेटर देन 49 से है। अब हमको देना पड़ेगा क्या एल टी डॉट फिगर और इसमें हमको फिक्स साइज देना पड़ेगा, फिग साइज इज इक्वल टू दे देते हैं कितना साइज दे देते हैं हम 15, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देते हैं एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, काउंट प्लॉट में देते हैं डेटा और क्या प्लेयर्स प्लेयर ज्वाइंट वो ज्वाइंट भी प्लेयर ज्वाइंट, ठीक है। अब उसके बाद हम देते हैं पी एल टी डॉट और इस ग्राफ का टाइटल रख देते हैं टी आई टी एल ई, टाइटल में रख देते हैं प्लेयर ज्वाइंट या ज्वाइंट, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज कुछ 15 के आसपास दे देते हैं और इसको हम पी एल टी डॉट वो कर देते हैं, देखते हैं कैसा होता है। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हर एक मैच में 100 के 100 बंदे आ रहे हैं तो ये क्या आपको मिला। तो हमारे पास ये जो मैच है टोटल 100 बंदे किस में आए, केवल 10 लाख के आसपास जो मैच हुआ था उसमें केवल 100 बंदे आए थे। सबसे ज़्यादा बंदे कितने आए थे, सबसे ज़्यादा बंदे हमेशा आते हैं 96 बंदे हर मैच में, मतलब जो हम मैच खेलते हैं उसमें पूरे पूरे 100 बंदे कभी नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 के बंदे कभी नहीं आते, कभी कभी आते हैं, बहुत कम चांस है। चांस कितना 10 लाख, बहुत मुझे लगता है कि 40% चांस है कि हमारे पास 100 के 100 बंदे आ जाएं, लेकिन और बाकी सब में मैक्सिमम कंडीशन में कितने बंदे आते हैं, या तो 94, 95, 96, 97, 98, 99 इतने बंदे हमारे मैक्सिमम केस में हर गेम में आते हैं। और बाकी गेम में देखिए अगर 80 बंदे बहुत कम मैच में आते हैं, मतलब मैक्सिमम बंदे जो हमारे 93 से लेके 99 के बीच में आते रहते हैं एक मैच में, जो 100 लोगों का प्लेयर्स आता है, 100 लोगों का ग्रुप आता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एनालिसिस पबजी का, हमने पहली वीडियो में आपको बताया कि कैसे हमने इनसाइट से निकाला एनालिसिस करके, और इसमें हमने एनालिसिस कैसे किया वो हमने इसमें आपको दिखाया। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय।